थाने मनपा के अंदर आज राज्य के गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की पत्नी रूता अवार्ड के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि कई दिनों से थाने में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से आम नागरिकों को और कोरोना मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गृह निर्माण मंत्री की पत्नी रूता अवार्ड ने सवाल किया कि क्या थाने मनपा वास्तव में क्या कर रही है कि थाने करों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता है पिछले 10-15 दिनों से जब से कहर बढ़ा है कोविड का, तब से सब लोग चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग भाग रहे हैं दर बदर, और जो भी चीजें जो इन्होंने मुहैया करानी करा के देनी चाहिए थी पेशेंट्स को, कोविड पेशेंट्स को स्पेशली, वो आज भी थाना में नहीं मिल रही। और हम लोग ने हम कितनी भी कोशिश करें, आखिर ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, आखिर ये थाना महापालिका का काम है, उनके प्रशासन का काम है, ये उन सारे लोगों का काम है जो ये सारी चीजें हमारे पेशेंट्स तक पहुंचा सकते। तो मैं सिर्फ उन्हें यही अपील करना चाहूंगी कि अभी फिलहाल थोड़ा अपने घरों से निकलिए और खुद को सुरक्षित रख कर भी आप काम कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके जितने भी टीएमसी के सेटअप है, दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, उनके लिए हमें कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन उनके बॉसेस जब तक हिलेंगे नहीं तब तक वो नीचे वाले लोग भी थोड़े से मजबूर हो जाते हैं। उससे यही सूचित होता है कि देखे हम ही कितने मजबूर हैं। मतलब अगर मैं मुझे और इन लोगों को जिनको लोगों ने चुन के दिया, देखिए हमें लोगों ने हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो अगर हम ही हमारी बात हमारे लोगों की बात उन तक नहीं पहुंचाएगी जो उन्हें मदद कर सकते हैं, तो हमारा कुछ फायदा नहीं। इसलिए हमने सोचा कि मुझे पता है कोविड है, इसलिए हम तीन ही लोग आए हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह देखना पड़ता है। पर आपके जरिए मैं यही बोलना चाहती हूँ मिस्टर कमिश्नर को कि हम उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ओहदे का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्लीज उस ओहदे का इस्तेमाल कीजिए और कहीं नजर आइए अपने एक्शन के थ्रू। विरोधी पक्ष नेता सानू पठान ने बताया कि थाने के कई अस्पतालों में आज ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, जिसमें सैकड़ों कोरोना मरीज है, लेकिन थाने मनपा द्वारा अभी तक कोई उपाय क्यों नहीं किया गया। वेंटिलेटर, रेस्पिरेटर इंजेक्शन और सबसे ज्यादा अब जो परिस्थिति चल रही है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर एक बार मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड जी लेके आए, एक बार मैं 6:30 बजे लेके आया, एक बार सुहास भाई लेके आ रहे, तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कर रहा है। सुबह 6:30 बजे एडिशनल कमिश्नर वाशिम महापालिका के दिख रहे ऑक्सीजन लेने में, मुझे वो रोक रहे कि तुम नहीं लेके जा सकते। हमारे प्रशासन का है ऑफिस के अंदर बैठ के टेंडर किसको मिलना चाहिए उसकी सेटिंग करेगा, किसको टेंडर मिलना चाहिए उसकी सेटिंग हो रही है। ये थाने की जनता का सवाल है, इसीलिए जब तक के एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी नहीं लेगा, जनता का सही नहीं करेगा कि किसे आज प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑक्सीजन नहीं मिले छोटे छोटे लोगों को, तो ऐसे में पेशेंट को क्या, तो जिम्मेदार कौन, किसके किसके पास जाए लोग। हमारी भी एक मर्यादा है, सीमा है लोक प्रतिनिधि, और डिसीजन जो होता है वो प्रशासन होता है, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। जब तक इस पूरा व्यवस्था को सही करने की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे। वहीं इस आंदोलन में मनसे के थाने और पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव ने भी अपना समर्थन दिया। सर्वसामान्य घरातील महिलेला जर असं वाटत असेल, मला लोकांसाठी रस्त्यावर उतरायला पाहिजे, त्यांच्या घरांतर मंत्री आहे, तरी जर त्यांना असं वाटत असेल की ठाण्यातल्या लोक अडचणीत आहेत, मला त्याच्यासाठी रस्त्यावर उतरावं असं वाटत असेल, तर अशासाठी आम्ही ताईला पाठिंबा देण्यासाठी इथे आलो। आज ठाण्यात रेमडेसिविर नाही, ऑक्सिजन नाही, नवी मुंबई महानगरपालिकेने टँकर पाठवून स्वतःसाठी ऑक्सिजन आणायला हवं। ठाणे महानगरपालिकेत अधिकारी गायब आहेत, आयुक्त एक महिन्यापासून जागेवर नाही आहेत, रेमडेसिविर नाही आहे, इंजेक्शन येत नाही आहेत, लोकांना बेड नाही आहेत, त्यांनी उभं केलेलं कॉल सेंटर जे आहे मदत कक्ष ते काम नाही करत आहेत, मग उत्तर कोणाकडे घ्यायचे, अधिकारी उत्तर देणार नसतील, राजकीय नेते उत्तर देणार नसतील, तर मग आम्ही जायचं कोणाकडे। आणि मग नाईलाजाने आम्हाला इथे यावं लागलं आणि ताईच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा लागला, जे त्यांचं दुःख आहे ते आमचं पण दुःख आहे, आणि आमचं दुःख घेऊन ते इथे बसले म्हणून आम्हाला असं वाटलं की आम्हाला तिथे जायला पाहिजे। एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV News, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना।